कैसे हो? शायद बढ़िया होंगी। हम भी बढ़िया हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्दी जुकाम बुखार के बारे में। अब उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए, खांसी हो जाती है, कफ आता है और सीने में दर्द होता है, छाती में इन्फेक्शन हो जाता है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो फिजिशियन से राय लेनी चाहिए, चेस्ट फिजिशियन से राय लेनी चाहिए हमें। उसके बाद में थोड़ा जनरल नॉलेज अपन को भी होना जरूरी है। उस स्थिति में हमें क्या कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए? छाती में इन्फेक्शन होने पे अमोक्सिक्लिन 625 mg टेबलेट लेनी चाहिए हमें। इसमें अमोक्सिक्लिन 500 mg, पोटेशियम क्लेवनेट 125 mg आती है, उसको सुबह शाम यूज करते हैं। उसके बाद में छाती में दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, उस स्थिति में ठंड लग के बुखार आती है वो, तो उस स्थिति में हमें निमुसलाइड पैरासिटामोल यूज में लेनी चाहिए। उसका डोज होता है सुबह शाम यूज में कर लेनी चाहिए। और नाक में पानी आता हो, जुकाम हो, उस स्थिति में हमें मोनोलोपास लेवोसिटेजिन टेबलेट 1 hs ले सकते हैं रात को सोते समय। और उसी कड़ी में जारी रखते हुए खाली पेट की कैप्सूल होता है वेलोज डी के नाम से। इसमें रेबीप्राजोल डोमपेडोन होता है, ये गेस्टिंग के लिए काम होती है, सीने में जलन होती है उसमें भी अच्छे से काम करती है। और थोड़े बहुत इसमें इन टेबलेटों के द्वारा थोड़ी सी गर्मी के चांस भी होने लग जाते हैं। इस वजह से हमें है ना, तो जिनको भी टेबलेट मल्टीमिनरल्स भी लेने चाहिए थोड़े बहुत। एक इसका डोज होता है एक शाम को सोते समय। और कब के लिए अपन को रेपिटस एलएस, इसमें लियो सेल्बुटामोल सल्फेट एम्ब्रोक्सोल होती है, ये बलगम को थोड़ा सा पतला करके और इसे कप के साथ में बाहर निकाल देता है। ये इसका डोज होता है 7.5 ml दिन में, TDS दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ठीक, ओके।